नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछुमचिनमय प्रथमे हेडलाइंस एई मास शेष बेलकु आसीपे तृतीय लहर अक्टोबर में नेब पिक देश में 1% उपरे रही आर वैल्यू संक्रमण बढ़िबा संभावना स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहले ओडिसारे कम रही आर वैल्यू आम पई भल खबर भीमसार को अणदेखा कर राज्य सरकार प्रतिवाद रे बुर्लें बजेपि पक्ष विक्षोभ प्रदर्शन पश्चिम ओडिशा स्वास्थ्य भित्तिमि विकास पर स्वतंत्र बजेट सह एक्मो मेसीन स्थापन पर दावी ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन सदस्य पीएसए विरंची साहू पक्षर किए कार्यानुषान दावी में रास्ता को ओह्लैला कंग्रेस प्रतवाद बेले पुलिस धस्ताधस्ती मनरेगा दुर्नीति को नहीं राज्य सरकार को बीजेपी रो टार्गेट जाल बिल करी हड़प होउची एनआरजीएस टंका सात वर्ष में केन्द्र देखी 16,000 कोटी सठिक विनियोग करिबारे विफल ओडिशा सरकार सीबीआई तदंत दाबी रे हाइकोर्ट को जीव दल बढ़ुछि डेंगू संक्रमण मेडिकल रे रोगी को पाई बेड अभाव हाथ टेकी देले राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग कहला जेते बेले अभाव थाए समस्ते मिलमिशी चलबा को हेबो कोरोना पाई सृष्टि होइछि अभाव पुणि बाउंश में बुहा हेले रोगी रास्ता नथिबारो गांव को आसीपारिलानी आंबुलांस असुस्थों को बाउंश बेलें डाक्तरखाना नेले परिवार लोके नारायणपाटना ब्लॉक रंगपाणी गांव घटना ओलंपिक्स बड़ खुशी खबर देला महिला हॉकी टीम क्वार्टर फाइनाल रे शक्तिशाली कंगारू दल को चटाइला धूली 1-0 रे ऑस्ट्रेलिया को हराई ऐतिहासिक विजय 1980 परे प्रथम थर सेमीफाइनाल रे एंट्री टीम को शुभेच्छा जणाइले केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान बालेश्वर में विपद संकेत टपिला सुवर्णरेखा तलिया अंचल में बन्या आशंका राजघाट में 10.45 मीटर उपर जलस्तर बालियापाड़ भोगराई ब्लक तलिया अंचल पर बढ़ला विपद शेष एसीएफ सौम्यरंजन महापात्र मृत्यु मामला विश्वस्त सूत्र सूचना विद्या भारती को पुणी पचराउचरा कर पुलिस विद्या भारती उदला घर को जीव पालाखेमुंडी पुलिस एथर संपूर्ण खबर अगस्त मास शेष आड़क आसीपे कोरोनार तृतीय लहर भारत में एवं आर वैल्यू 1% उपरे रहुथिबारु एहार प्रभाव में संक्रमण बढ़िबार जथेष्ट संभावना रही विभिन्न गवेषणा और मॉडल अनुजाई चलित मास शेष बेलकु देश में तृतीय लहर आसिब और अक्टोबर में यह पिक नेबार संभावना रही स्वास्थ्य विशेषज्ञ मात्र यार प्रभाव द्वितीय लहरठ कम रहिबो जेहेतु एपर्यंत कौनसी नुआ वेरिएंट देखा जाइनी एवं डेल्टा वेरिएंट ही कंटिन्यू करबा सह द्वितीय लहर एक्सटेंशन करुछि तेणु तृतीय लहर जदि आसिबो यार प्रभाव कम ही रहिबो तृतीय लहर समय रे ओडिसा रे द्वितीय लहर भली 10,000 उपरे संक्रमित चिन्हट हेबे नाही 5,000 तळे ही रहिबो संक्रमितक संख्या ओडिसा रे आर वैल्यू कम रहितिबारु पॉजिटिवक संख्या कम रहिछि जहां आम समस्तक पई भल खबर बोली कहिछन्ति स्वास्थ्य विशेषज्ञ निरोष मिश्र देखो आर वैल्यू 1 उपर को माने केसेस गुडा एक्सपोनेंशियली बढ़िबो जोटा कि केरल रे केस हला तंकर आर वैल्यू बढ़ी बढ़ी 1.2 चली गला तेणु एम आर वैल्यू अधिक जी मैंने आक्रस कंट्री जो जगह बढ़ला से बढ़ो और गोटे जगह बढ़ला मन रखे अन्य जगह को भी स्प्रेड कर तेणु आर वैल्यू जोटा कि आम 0.78 था मे एंड रे बढ़ी बढ़ी 1 पाखापाखी हो गला आक्रस द कंट्री तेणु से गोटे चिंतार कारण आर वैल्यू उपर गला क्षण बढ़ जोटा कि IIT आमर हैदराबाद और कानपुर IIT से जो प्रेडिक्शन फिर आसीचे कि यही मैसे गोटे थर्ड वेवटा आसो जो अक्टोबर में पिक कर आर वैल्यू अधिक है मैंने एक्सपेक्टेड कि नंबर ऑफ केसेस अधिका हम कि सब भल कथा है आमर आर वैल्यू से जदि भी थर्ड वेव आसा प्रेडिक्शन कि आम बेस्ट सिनेरियो रे लक्षे केस जीव आदि वर्स्ट केस सिनेरियो 1.5 लाख केस पर्यंत मैक्सिमम जीव कि मतलब लगुच आमर एत खराब हेने आम आर वैल्यू कम भी अच्छी आम वैक्सीनेसन ड्राइवटा भल अच्छी वैक्सीनेसन रेट बहुत अच्छी भल एवं आप जानते भुवनेश्वर आम फास्ट सिटी हिसाब से आक्रस इंडिया आम फुली वैक्सीनेटेड तेनालीरें जदि भी आम केसेस हम तेल सीभीयर केसेस और डेथ्र संख्या बहुत कम रेणु आमर मत लगुन ट्रांसमिशन भी यहाँ 1/3 हो जाए ये वैक्सीनेसन नापर मत लगुच आम टे सेफ रहा तथापि थर्ड वेव जब आसो आम भी किसी अफेक्टेड हाँ कि नंबर अफ केसेस एत बढ़ सेकेंड वेव थी बेस कम रस्पिटालाइजेसन डेथ्रे सिग्निफिकेन्टली कमिज
अनिपटे डीएमईटी सीबीके महंती कहिसेंति आर वैल्यू 1% उपरे रहिले अधिक लोक संक्रमित होंती। वर्तमान केतेक राज्य रे आर वैल्यू 1 पाखापाखी पहुंचि सारिछि। ओडिसा रे आर वैल्यू 1 होई नाही, 1 उपरे रहिले संक्रमण बढ़िबो, आर वैल्यू कम्युनिटी रे प्रतिफलित होइता। से कथा वर्तमान कहिबा कष्टकर। चाइना रे प्रथम वेव रे आर वैल्यू 6 उपरे रहितला, किंतु भारत रे द्वितीय वेव रे एहा देखिबा को मिलेनी। टीकाकरण कोविड नियम मानिबा दरकार बोली कहिसेंति डीएमईटी सीबीके महंती। ना आर भैल्यू कहले दैट इज रिप्रोडक्शन नंबर, माने गोटे लोक जदि संक्रमित हुए से आउ केते जन को संक्रमित करुच्छे से अनुसार हुए। जदि आर भैल्यूटा 1 ऊपर रहइबो तो नेचुरली से कोन करइबो, गोटे रु अधिक लोक संक्रमित करइबो। वर्तमान आमर आर भैल्यू 1 पाखापाखि पहुँची जाइए केतक राज्य रे, किंतु आमर जेहेतु आम राज्य सीटा कमुचे आमर निश्चित भाव आर भैल्यू 1 है ना, ताठू फार छोट अच्छे मुझे एक्जाक्टली कहीपरिनी। दैट इज कैलकुलेटेड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स डेफिनेटली, कारण आमर डाउनवर्ड ट्रेंड रही, तेणु आर भैल्यू जो 1 तौक रोब यूजुअली डाउनवर्ड ट्रेंड रहे, जो 1 उपरकू रत अपवर्ड ट्रेंड रोब, मैंने नंबर अफ केसेस बढ़ो, कारण गोटे लोक 1 रु अधिक लोक संक्रमित कर। तेणु से ही दृष्टि डॉक्टर गुलेरिया जहाँ कही केतक राज्य 1 पहुँची जाइए। आप जानते केरल से 1.1 थिला, तेणु से प्रतिदिन से चेंज होती, दैट इज ए वेरिएबल डायनामिक पैरामीटर्स। तेणु आर भैल्यू को लेकिन भी आम देख आम प्रथम वेव्रे आर भैल्यू के चाइनारे से 6 पहुँची जाता, कितु से ही दृष्टि देखा गले मैंने कम्युनिटी रिफ्लेक्ट है ना, तेणु यहाँ केते दूर जे रिफ्लेक्ट हे से कथा भी बर्तमान भी कहवा कष्ट, कारण आप नेट्रे खोजतु देखिए जे जो प्रथम पर्यायर प्रथम वेब टाइम चाइनार एच ए 6 उपरकू थ 6 उपरे भी थिला गोटे पर्यायर, कितु से अनुसार तो मैंने आम सेकेंड वेब्रे जीकानी, तेना आम कहीं व्यस्त हवा बर्तमान। राज्य में कमुची पॉजिटिविटी किंतु कमुनी मृत्यु, पुणी 67 जीवन नहीं भाइरस, एथिरे खोर्धारु 12, सुंदरगढ़ 11 और कटकु 10 जन मृतक रही। मिसाई राज्य में मोट कोरोना जनित मृत्यु संख्या 6033 पहुंची। सेपटे राज्य में 24 घंटे 1032 पॉजिटिव चिन्हट होती। खोर्धार 237, कटकु 154, जगत सिंहपुर 82 और अनुगुल 48 नुआ केस सामना को आसी। पश्चिम ओडिशा रे स्वास्थ्य सेवा विपर्यस्त हो पड़ता बेले बुर्ला स्थित भीमसार को राज्य सरकार अणदेखा करुवा प्रतिवाद रे बीजेपी रो विक्षोभ। अनेपटे चिकित्सा रे अवहेला को नहीं मान्यवर हाईकोर्ट न्यायिक तदंत निर्देश सत्वे राज्य सरकार वर्तमान पर्यंत नोटिफिकेशन करिनाहंती, जहाकु नहीं बढ़िछे असंतोष। पश्चिम ओडिशा रे स्वास्थ्य सेवा विपर्यस्त हो पड़ता बेले बुर्ला स्थित भीमसार को राज्य सरकार अणदेखा करुवा प्रतिवाद रे आज बीजेपी पक्षरु बुर्ला ठारे धारणा दिया जाइछि। एहा सहित बुर्ला भीमसार निर्देशकंकु स्वतंत्र क्षमता देबा सह पश्चिम ओडिशा रे स्वास्थ्य भित्तिभूमि विकास पर स्वतंत्र बजेट प्रस्तुत करने और एक्मो मेसीन स्थापन पर दावी करा जाय छि। स्वास्थ्य व्यवस्था संपूर्ण हिसाब से पश्चिमांचल भुशुड़ी पड़ी एवं राज्य सरकार को यह धारणास्थल मुझे पचार चाहूँगी ओडिशार मुख्यमंत्री हूँ किंवा 5T सचिव हूँ जे पश्चिमांचल मनीष अच्छा ना ना पश्चिम ओडिशा रे लोकंकर स्वास्थ्य व्यवस्था प्रति सरकार सचेतन अच्छी ना नहीं। बुर्लार ये हॉस्पिटल जोटा को चरम अवहेला राज्य सरकार करोटा को आपणकर घोषणा करागला स्वयं शासित बुर्ला हॉस्पिटल को करागला, आज पर्यंत स्वयं शासित होला नहीं, डायरेक्टर कौन सी क्षमता रहिला नहीं। पश्चिमांचल लोके हॉस्पिटल उपर निर्भर कर राज्य सरकार कहीं चरम अवहेला करुच्ची, तार प्रतिवाद रे आज स्वास्थ्य व्यवस्था ग्रामांचल और बुर्ला हॉस्पिटल रो स्वास्थ्य व्यवस्था जो भुशुड़ी जा राज्य सरकार पातर अंतर नीति करुछन्ती, तार प्रतिवाद रे भारतीय जनता पार्टी तरफ आज ये हॉस्पिटल सामना रे आम धारण में बस। पश्चिम ओडिशा स्वास्थ्य अवस्था संपूर्ण विपर्यस्त, आज कौन भी PSC CSC को जी डाक्टर नहांती, जिला डाक्टरखाना डाक्टर नहांती, आ सब बड़ दुर्भाग्य कथा जो भीमसार उपरे पश्चिम ओडिशार निर्भर करे एवं भीमसार पश्चिम ओडिशा नुह छत्तीसगढ़ राज्य भी निर्भर करे, से भीमसार अवस्था भी आज अत्यंत खराब। भीमसार पश्चिम ओडिशा लोक भीमसार एक्मो मेसीन कहीं लगे बीजेपी जी दाबी करुच्ची भीमसार भी एक्मो मेसीन लगा जाऊ, भीमसार को अर्थनैतिक प्रशासनिक क्षमता दि जाऊ,
ताले जेकरी लोक माने सुधरी पारि ओडिसा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन सदस्य को पीएसए बिरंची साहू को पछरे किए नियुक्ति रे दुर्नीति गंध बारी हेबा परे बे सारा महल रो तीव्र विरोध करा जाय छि यार प्रतिवाद रे राजरास्ता को ओल्हाइ छि कांग्रेस छात्र कांग्रेस आज ओडिसा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन को ऑफिस घेराव करिछि घटनार उच्चस्तरीय तदंत कराजाउ बोली बद्ध दाबी होईछि नियुक्ति अनियमितता रे बहु बड़ बड़ लोक शामिल होछंती एहार सत्यासत्य बाहर को अणा जाउ एहा द्वारा बहु पिलांक भविष्यत नष्ट होईछि एथि पई दाई किए बोली प्रश्न उठाइछि छात्र कांग्रेस या पछरे को माने पैसा खाउचंती पैसा नै चाकरी दउचंती या काहा को अछपा नुहे निश्चित से कमिशन को जो माने बोर्ड अध्यक्ष अछंती एवं बोर्ड जो माने स्टाफ अछंती समस्त तंत्र परिषद नियो एवं हाई कोर्ट रा मॉनिटर इंक्वायरी करा जाउ करेल सत्यभाग सामना को आसीबो ए स्टाफ सिलेक्शन ऑफिस दुर्नीति रा गंताघार ये पैसा नै चाकरी दैछंती जो मेधावी छात्र माने गरीब छात्र ଯାହାଙ୍କର ବାପା ମାଆ ମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ କଷ୍ଟ କରି ମୂଲ ଲାଗି ଜମି ବିକ୍ରି କରି ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ପାଠ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମେଧାବୀ ସେମାନେ ଘରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଖେ ପଇସା ଅଛି ଚୋରି ଡକାୟତି ପଇସା ଅଛି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତିନି ସେଇ ପିଲାଙ୍କ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଟେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ଜରିଆରେ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଏ ଭିଜିଲାନ୍ସ କାହାକୁ ଧରିନି ପୋଲିସ କାହାକୁ ଧରିନି ଏ ଯେଉଁମାନେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସହ ଗୋଟେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ଜରିଆରେ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ ଏବଂ ନିରୀହ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ନ ଦିଆଯାଉ ଆଜି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିଛି ସର୍ବାଗେ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ ମନରେଗା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଜେପିର ଟାର୍ଗେଟ ବାଟବଣା ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଅର୍ଥ ସାତ ବର୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଛି 16,000 କୋଟି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥର ସଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର 314 ବ୍ଲକ ଓ 6,000 ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିରୋଧ କରିବ ବିଜେପି 314 ବ୍ଲକରୁ 314ଟି ସାମ୍ପୁଲ ବା ପ୍ରମାଣ ସହ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଜେପି ଭେଟିବ ଏହାସହ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଦଳ ଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଏକ କଷ୍ଟକର କଥା ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ କାମ ନଥିବା କାରଣରୁ ବିଦେଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଲଗା ପ୍ରଦେଶମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ହେଇକି କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ହିସାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଠି କାମ ଯୋଗାଇ ପାରୁନେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ ଏଇ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ କାମ ନଥିବା କାରଣରୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ବାହାରକୁ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ହିସାବରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆମ ଦେଶୀୟ ଭାଷାରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛେ ସେହି ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ଅକଥନୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଲେ ଏବଂ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଛାଟିପିଟି ହେଇକି କେମିତି ଆସିବେ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଇଏ ସବୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ବରାଦ କରିଛନ୍ତି ଖୁସିର କଥା ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଯେ ଗତ ସାତ ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶକୁ 16,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଲକ୍ଷେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏନ୍ଆର୍ଇଜିଏର କାମ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କଲେ ସେ ହିସାବରେ 4,436 କୋଟି ଟଙ୍କା 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 4,436 କୋଟି ଟଙ୍କା ନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଏଠି କାମରେ ଲଗାଯିବ ଏବଂ ଲୋକେ ସେଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ ଲୋକ ଆଉ ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଯିବେ ନାହିଁ ଏଇଥିପାଇଁ 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ବି ବରାଦ କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଯେଉଁଠି 100%ରୁ 100% ଏନ୍ଆର୍ଇଜିଏର କାମ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଜେସିବି ମେସିନ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମେସିନେରୀ ଲଗାଇକି ହେଇଛି ଲୋକ କରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବି ଉଦାହରଣ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ବାସ୍ତବରେ ଲୋକ କାମ କରିଛନ୍ତି
छाती रे हाथ रखिकी मुख्यमंत्री एवं तांका सरकार रो बड़ पंडा माने कहंतु जे नरेगा योजना रे मशीन रे काम होइनी लोक काम करचंती। राज्य को डेंगू डर बढ़ुच्छ संक्रमण मेडिकल रे रोगी को पाई बेड अभाव हाथ टेकी देछंती राज्य सरकार। स्वास्थ्य विभाग कहिला जतेबेले अभाव थाए आमको मिलीमिशी चलबाक हेबो किछि परिमाण रे एडजस्ट करबाक हेबो। कोरोना पाई बेड डिमांड रहिछे। एबे डेंगू और नेचुरल डिजीज रोगी भी आगरु रहिछंती तेनु हठात कोनोसी जगह रे तीनोटी कोठा तयारी करि हेबनी कि ताहा संभव नुहे बोली कहिछि स्वास्थ्य विभाग। किछि सुविधा और किछि असुविधा रहिबो ताकु आमको एडजस्ट करबाक पड़िबो बोली कहिछि स्वास्थ्य विभाग। पैटलेट कौन सी फैक्ट्री में तैयारी होनी यहाँ मनुष्य मैंने देखते तेणु जिते अधिक लोक रक्तदान करेंगे से ही अनुसार पैटलेट्र अभाव दूर होती डोनर मान रक्तदान करने को आगे आसवापी स्वास्थ्य विभाग। इतिहास रचिला भारतीय महिला हॉकी दल विश्व नंबर टू ऑस्ट्रेलिया को हराई सेमीफाइनल में पहुंचला टीम इंडिया। 1980 परे प्रथम थर सेमिफाइनाल पहुंची दल एक सोन गोल ऑस्ट्रेलिया को हराई ऐतिहासिक विजय हासिल करिछंती। 22तम बा 22 मिनिट रे गुरजीत कौरों गोल बल भारत आगुआ होता आउ एही गोल ही निर्णायक होता। शेष पर्यंत कंगारू दल भारत डिफेन्स चाप पकाइबाकु चेष्टा करिथिला तबे कमाल करिथिला भारतीय डिफेन्स। शेष मुहूर्त में बैक टू बैक पेनाल्टी कर्नर मिलते भी सब प्रयास को रोकथिला भारत। अनेपटे महिला हॉकी दल सेमी को प्रवेश करिबा परे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभेच्छा जणाइछंती। जेपरि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक महिला हॉकी टीम को मध्य शुभेच्छा जणाइछंती। महिला हॉकी दल विजय अभियान बजाय रखु बोली से कहिछंती। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मध्य ट्वीट करी महिला हॉकी टीम को शुभेच्छा जणाइछंती। महिला हॉकी टीम इतिहास रचिछि एवं आगको जिबाको दल को शुभेच्छा जणाइछंती केंद्रमंत्री। What a terrific game our women's hockey team played against Australia. Keep it up. The best of luck. पुणे निराश कले दुति शहे परे 200 मीटर रे भी परवर्ती राउंड को क्वालिफाई कर पारेनि। हिट फोर रे दौड़ा दुति सप्तम तथा शेष स्थान में रही 23.85 सेकेंड रे टाइमिंग सह दुति शेष स्थान में रही। हिट फोर रे 22.11 नामिबियार आथलेट सी मबोमा प्रथम स्थान में रही। पूर्व 100 मीटर दौड़ में निराश करते दुति चंद 11.54 सेकेंड सह से सप्तम स्थान में रही। भारत पक्षर एकमात्र आथलीट भाव दुईट इवेंट में भाग नहीं दुति ओडिशा सह पूरा भारत नजर दुति थे दुति निराश कर। एसएफ सौम्यरंजन महापात्र मृत्यु मामला विश्वस्त सूत्रों मिलता सूचना अनुसार विद्या भारती पचरा उचरा कर पुलिस पुणी तदंत विद्या भारती घर को जीव पारलाखेमुंडी पुलिस एवं पर्यटन मिलता समस्त तथ्य को नहीं पचरा उचरा कर पुलिस उदला जा पुणी सत खोज पुलिस। बंदूक मुनरे 50 लाख टंकार सुना गहना लुट घटना घटी कंधमाल जिला फुलवाणी सदर महकुमा पट्टावाली साहि प्रशांत पाणिग्राही नामक जड़े व्यवसायी घर कलाकना बुलाई दुर्वृत्त। घरे प्रशांत एकुटिया बेले तीन जन दुर्वृत्त घर को पशि आसी प्रशांत मुंडे आघात देवासह बंदूक देखा भयभीत करते परे पखापाखि 50 लाख टंकार सुना और टंका लुटी चली जाते। घटना प्रशांत थाना एक मामला रुजु करते पुलिस साइंटिफिक टीम घटनास्थल में पहुंची छानबीन करने तदंत जारी रखी। चासी हताश दलाल मालेमाल चासी को न जणाई फसल बीमा समबलपुर कुचिंडा उपखंड तुरई पंचायत आसला एभले किछु अभियोग शोषण शिकार होउछंती चासी। दलाल माने चासी को नारे फसल बीमा कराई टंका हड़प करुथिबा अभियोग होइछे जार प्रतिवाद रे आज चासी माने कुचिंडा उपजिलापाल द्वारस्थ होइछंती।
ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଛୁଇଁଲା ଜଳସ୍ତର। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଜଳେଶ୍ୱର ରାଜଘାଟଠାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ 10.36 ମିଟର ଟପିଛି। ଆଜି ସକାଳ 7ଟା ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ୟାପାଣି ବିପଦ ସଙ୍କେତ 10.45 ମିଟର ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କୁଦ ମାନସିଂ, ସୂର୍ଯ୍ୟପୁର, ଗୁଣପୁର, ଆଠବଟିଆ, ସୁଙ୍ଗମୁହା, ବିଷ୍ଣୁପୁର, ଅସ୍ଥି, ମଧୁପୁରାରେ ପାଣି ପଶି ରାସ୍ତା ବୁଡ଼ିଛି। ପୁଣି ମାତିଲେ ହାତୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଓ ବାଦାମ ପାହାଡ଼ ରେଞ୍ଜରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ। ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ମୃତ, ଜଣେ ଗୁରୁତର। ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ବାଦାମ ପାହାଡ଼ ରେଞ୍ଜ ଟିଆକାଟି ଗାଁର ସୁଖୀ ବାସ୍କେ। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଛତୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣଟି ଘଟିଥିଲା। ସୁଖୀଙ୍କୁ ହାତୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ କଚାଡ଼ି ମାରିଥିଲା। ସେହିପରି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବନାଞ୍ଚଳରେ ଖଣ୍ଡାଡେରା ଗାଁରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୌଚ ପାଇଁ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଆହତ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସାଉନା ମାରାଣ୍ଡି, ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ ପରିସରରେ ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର 3ଟି ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ ସାଂଗଠନିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ମାରଣ ନୀତି, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାର ବାଟ ମାରଣ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ଧାନ ବିକ୍ରି କରିନପାରିବା, ଆବଶ୍ୟକ ସାର ନ ପାଇବା ବିଷୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନାଧୀନ ବିଜେଡି ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିଛି ବିଜେପି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।